जैन दोस्तों, कैसे आप सभी लोग दोस्त? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होगे और मस्त होगे। स्वागत है दोस्तों लेसन 5 में। आप सभी ने इतनी रिक्वायरमेंट की और इतना ज़्यादा कमेंट किया कि नहीं सर, आप लेसन 5 भी लेके आइए। तो आप सभी के कमेंट की वजह से और सीक्वेंस की वजह से लेसन 5 में लेके आ गया हूँ। लेसन 5 में आपको सिखाने वाला हूँ दोलियों के मवासीगिरी की, सिखाने वाला हूँ जो कि मार्शल आर्ट की सबसे खतरनाक किक होती है। तो लेसन 5 में आपका स्वागत है, बिल्कुल अच्छे से आपको देखना है। लेसन 1 मैंने बना के डाल दिया, 2 भी डाल दिया, 3 भी डाल दिया, 4th भी डाल दिया है, और ये लेसन 5 है। इसके बाद लेसन 6 आएगा। तो लेसन 5 आपको अच्छे से देखना है बिल्कुल। और यदि आपने 1, 2, 3, 4 मतलब लेसन 4 तक यदि नहीं देखा तो आप वीडियो देख सकते हैं। अभी नहीं देखना आपको, मतलब लेसन ये 5 देख के, इस वीडियो को देख के, और उसके बाद ही आपको फिर जाना है और देखना। लेसन आपको चारों देखना और उसके बाद ये 5वें लेसन की आपको ट्रेनिंग करना है। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको चला के दिखा दे रहा हूँ जिससे कि आपको पता चल जाए कि भैया जो डोलियों की जो रहती है वो किस तरीके से चलाई जाती है। ट्रेनिंग करने के लिए सबसे पहले देखिए, ट्रेनिंग करने के लिए सबसे पहले आपको रनिंग करना है। रनिंग करने के बाद आपको वार्म अप करना, और वार्म अप करने के बाद ही आपको किक जो रहेगी उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करना, मतलब डायरेक्टली आपको किक स्टार्ट नहीं करना। देखिए सबसे पहले मैं आपको चला के दिखा दे रहा हूँ। मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है और इसमें मैं मार के दिखाऊंगा जिससे कि आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए इस तरीके से ऐसे करके डोलियों किक को मारा जाता है। मैं समझ लीजिए ये कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, अपनी ये खड़े हैं नॉर्मल तरीके से, और इस तरीके से बिल्कुल किक को मारा जाता है। देखिए ऐसे करके यदि अपन खाली यदि किक चलाएंगे तो किस तरीके चलेगी, इस तरीके से खाली किक चलेगी। कैसे करके? इस तरीके से। एक बार देखिए सामने चला के दिखा दे रहा हूं मैं आपको, कैसे करके किक चलेगी, इस तरीके से खाली किक चलेगी। देखिए ऐसे करके दोस्तों, लगातार मैंने देखिए 6 से 7 साल ट्रेनिंग की हुई है और 5 से 6 साल मुझे सिखाते हो गए। 10 से 12 साल का मुझे एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के बेस पर ही मैं आपको समझा रहा हूँ और अच्छे से सिखा रहा हूँ। तो वीडियो को आपको स्किप करके नहीं देखना है बिल्कुल, और देखिए अच्छे से आपको ट्रेनिंग करना। अब मैं आपको देखिए सिखाऊंगा। देखिए आपको किक सीखने के लिए सबसे पहले देखिए आपको इस तरीके से खड़े हो जाना है, और इस तरीके से खड़े होने के बाद देखिए पहली नंबर की जो स्टेप है जिसमें आपको पैर को इस तरीके से क्या करना है, खींचना है। इसको देखिए आप वार्म अप में भी खींचेंगे लेकिन अभी भी आपको खींचना है। उसके बाद देखिए इस तरीके से आपको पैर को उठाना है, देखिए ऐसे करके सेकंड वाले पैर को। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, इस तरीके सामने खड़े ऐसे करके और पैर को उठाना है। अब इसमें एक चीज़ आपको सुधारना, वो है आपकी ब्लेड। देखिए इसको ब्लेड बोलते हैं, इसको नीचे की साइड खींच के रखना। देखिए सीधी सी बात है, ये जो हील है इसको ऊपर की साइड खींचो, और इसको ये जो पंजा जो रहता है इसको नीचे की साइड खींचो, क्योंकि जो डोलियों की जो रहती है उसकी ब्लेड रहती है ये। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से ऐसे करके पैर उठाना। देखिए ऐसे करके इस तरीके से पैर उठाना, देखिए ऐसे करके। और दोस्तों आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से अपने YouTube चैनल पर मात्र 12 से 13 महीने में ही 15,800 को सब्सक्राइबर हो गए हैं और पेमेंट भी आ चुकी है। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। देखिए अपन को इस तरीके से ऐसे करके पैर उठाना, देखिए उसके बाद इसी पैर को देखिए फाइट जो मूवमेंट मतलब इस तरीके से पीछे कर लेना है और ये ऐसे कर खड़े हो जाना है। ये ब्लॉक्स होते हैं तो इस तरीके से खड़े हो जाना, जो पैर आप सामने से उठा रहे थे वो पैर आपको पीछे से उठाना है, कैसे करके ऐसे करके, और ब्लेड जो रहेगी उसको खींच के रखना है ऐसे करके। ऐसे आगे नहीं उठाना है सर, कहाँ उठाना है अपनी साइड उठाना, और बॉडी को आपको टाइट करके नहीं रखना, बॉडी को आपको लूज रखना। देखिए इस तरीके से उठाना, पैर उठाते समय आपको झुकना नहीं है, ऐसे कर सीधे खड़े होना, सीधे खड़े होना मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे कर को ऐसे कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना, नॉर्मल तरीके से खड़े होना है आपको, और इस तरीके से पैर को उठाना है ऐसे करके। सेम कंडीशन में देखिए सेकंड वाला पैर करके दिखाऊंगा। देखिए मैं आपको जैसा जैसा मैं आपको बताते जा रहा हूँ वैसा वैसा यदि आप लेसन बाई लेसन यदि फॉलो करेंगे, अच्छे से ट्रेनिंग करेंगे, तो आप मार्शल आर्ट घर बैठे ही सीख जाएंगे। ना तो आपको पैसा खर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से कर सकते हैं ऐसे करके, इस तरीके से। यदि आप पर्सनली यदि सीखना चाहते हैं, व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल पर मैं लाइव ट्रेनिंग देता हूँ। ट्रेनिंग की जो फीस है वो 1,000 रुपये महीने है, 100 रुपये मतलब स्टार्टिंग मंथ में 1,100 रुपये आपको देना पड़ेगा, और उसके बाद हर महीने आपको 1,000 रुपये करके देना पड़ेगा। तो आप पर्सनली भी मुझसे सीख सकते हैं, जिसमें जैसे कि व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल आप सभी समझते हो किस तरीके से, मतलब व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल रहती है। तो यदि आप ट्रेनिंग करने के इच्छुक हैं तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। फ़ोन नहीं लगाना है, किसी को भी नहीं लगाना, केवल और केवल क्या करना है, मैसेज करना है आपको। यदि आप बार बार फ़ोन लगाएंगे तो आपका जो नंबर रहेगा वो ब्लैक लिस्ट में मैं डाल दूंगा, क्योंकि मेरी लाइव ट्रेनिंग रहती है, वहाँ चल के वीडियो शूट हो रही है, फिर स्कूल में ट्रेनिंग देने के लिए जाता हूँ, क्लब में ट्रेनिंग। अब आप क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, बहुत सारे बच्चे क्या बार बार फ़ोन लगाते हैं, 10 बार 20 बार मतलब
बंदी नहीं होते फोन लगाना, तो आपको ये नहीं करना, केवल और केवल मैसेज करना है। मैं बार बार हर एक वीडियो में यही बात बोलता हूँ कि भाई जिसको ट्रेनिंग करना है वो केवल मैसेज करना है उसको, मतलब ये नहीं कि बार बार फोन लगाने के लिए छोटी छोटी बातें पूछने के लिए फोन लगा रहा, तो ये नहीं करना है। चलिए अपन वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अपन इस तरीके से अपन पैर उठा रहे, अब क्या करना है आपको, इस तरीके से ऐसे पैर उठाना है और पैर उठाने के बाद क्या करना है, नीचे वाले पैर को इस तरीके से घुमा लेना। देखिए कैसे करके इस तरीके से उठाना है और उसके बाद इस तरीके से पैर को घुमाना है। इसके पहले देखिए आपको एक चीज़ की और ट्रेनिंग करना, वो है ये पैर उठाने के ऐसे साइड में। ये वार्म अप में एक्सरसाइज है, वार्म अप एक्सरसाइज है, लेकिन किकर जो रहेगी उसका मूवमेंट है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ट्रेनिंग करने के पहले आपको वार्म अप करना जरूरी है, क्योंकि जो वार्म अप जो रहता है वो ट्रेनिंग का बेस रहता है। मतलब वार्म अप करते हैं उसमें इस तरीके से पैर उठाते हैं, ब्लेड को इस तरीके से खींच के रखना है नीचे की साइड और बॉडी को लेफ्ट साइड झुका के रख लेना है, जस्ट बिल्कुल घुटने के पास पकड़ो और इस तरीके से खींचना है ऐसे करके। तो आपको देखिए वन काउंस में इस तरीके से करना है और सेकंड काउंस में क्या करना है, ये वाले पैर को नीचे नहीं रखना। मतलब यदि आप नीचे यदि रखेंगे तो इस तरीके से उठेगा, तो आपको इसको ऊपर ऐसे उठा के रखना और नीचे वाले को घुमा देना है। उसके बाद जो लेफ्ट वाला जो हैंड है उस साइड आपको क्या करना, बॉडी को झुकाना। देखिए ये समझ लीजिए मैं ये खड़ा हूँ, इस तरीके से ये हो रहा है वन और इस तरीके से हो रहा है टू, तो बॉडी क्या है ऐसे करके झुकाना है आपको और ये जो पैर रहेगा इसको इस तरीके से उठाना है ऐसे करके, और तीसरे वाले काउंस में आपको इस तरीके से खोल देना है ऐसे करके। ध्यान से समझिएगा, देखिए अब काउंस वाइज आपको ट्रेनिंग करना है कैसे करके किस तरीके से ऐसे खड़े हो गए अपन अच्छे से बिल्कुल। ये एक दिन में नहीं बनेगी, ऐसा नहीं कि आप एक दिन में ही किक आ जाए। किक चलाना एक अलग बात है, लेकिन परफेक्ट किक चलाना और एक पावरफुल किक चलाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। किक तो आप 5 मिनट में सीख जाएंगे यदि आपका कैचर यदि अच्छा है तो। तो जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे ही आपको ट्रेनिंग करना है, और यदि आप लेसन बाई लेसन करेंगे तो आपको सीखने में बहुत ही आसानी होगी। और यदि आपने लेसन फर्स्ट नहीं देखा, सेकंड नहीं देखा और आप 5 की ट्रेनिंग कर रहे हैं, फिर आपको दिक्कत होगी। तो आपको वो वाले लेसन 4 भी देखना है, मतलब 1, 2, 3, 4 लेसन, चारों वीडियो देखना है, और उसके बाद फिर ये वीडियो तो आप देख ही रहे हैं, तो उनकी भी ट्रेनिंग करना और इसको भी साथ में बिल्कुल आपको ट्रेनिंग करना। देखिए वन काउंस में आपको इस तरीके से उठा लेना है, ब्लेड देखिए इस तरीके टाइट रहना, और सेकंड में नीचे वाले पैर को क्या करना है आपको, पंजे पे घुमाना। किस पे घुमाना है, पंजे पे घुमाना। देखिए इस तरीके से ऐसे करके बॉडी आपकी झुकी रहेगी और पैर इस तरीके से उठ जाएगा और उसके बाद इस तरीके से खुल जाता है। देखिए कैसे करके ये 1, 2 एंड ये 3 हैंड जो रहेगा, मतलब ब्लॉक जो रहेगा वो किक के ऊपर रहेगा। कहाँ रहेगा, किक के ऊपर, ये ऊपर रखना है ऐसे करके, नहीं रखना, नहीं तो आप ऐसे रखो। तो आपको कहाँ रखना है, किक के ऊपर रखना है। और मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, डीपली समझा रहा हूँ, इसलिए मेरी जो वीडियो रहती है वो लंबी रहती है। ऐसा नहीं कि 2-5 मिनट की वीडियो बना दी और बस, ऐसा नहीं। मैं 10 मिनट की बन जाए, 20 की बन जाए, 25 की, उससे दिक्कत नहीं। लेकिन जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो किक आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो बात आपको समझाना चाह रहा हूँ, वो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। देखिए किस तरीके से ऐसे खड़े हो गए अपन साइड जो मूवमेंट में ऐसे करके, इस तरीके से 1 और ये 2 और इस तरीके से ये 3 ऐसे करके आपको ट्रेनिंग करना। अब ये 3 काउंस में चला रहे, अब इनको क्या करेंगे अपन 2 काउंस में चलाएंगे। किस तरीके से ये बन काउंस में ही ये मूवमेंट बन जाएगा, ये नीचे मतलब इसको लेके जाना है और नीचे वाला पैर जो रहेगा वो घूम जाएगा। किस तरीके से ऐसे करके बॉडी को आपको झुका के रखना है, याद रखना, नहीं तो आप सीधे सीधे ऐसे करें और बोले हमारी किक तो चल ही नहीं रही सर ने तो ऐसे ही बोला था। तो भैया बॉडी को आपको झुकाना है, किस तरीके से इस तरीके झुकाना, और दूसरे में आपको पैर को क्या करना, खोल देना है। मतलब ये 1 और ये 2 इस तरीके से, ये 1। तो ये लग चुका वीडियो में कट, आप सोच रहे हो वीडियो में कट कैसे लग गया। देखिए अपनी जो वीडियो शूट जो होती है वो आईफोन से शूट होती है और दोनों साइड क्या लाइट लगी हुई है तो आईफोन क्या गर्म हो जाता है, जिसके कारण क्या वीडियो शूट होते होते और बंद हो जाती थी। ये दूसरा पार्ट, मतलब एक ही वीडियो का 2 पार्ट करना पड़ रहा है। तो देखिए मैं आपको बता रहा था कि देखिए वन काउंस में आपको किस तरीके से उठाना है, इस तरीके से, और सेकेंड में इस तरीके, और थर्ड में खोल देना है। अब देखिए इसी का करना है आपको, मतलब वन काउंस में ये एक मूवमेंट बन जाएगा, मतलब नीचे वाले पैर को आपको इस तरीके से ऐसे अगर घुमाना और सेकंड वाले में आपको इस तरीके से खोल देना। ध्यान से देखिएगा वन काउंस में इस तरीके से ये नीचे वाला पैर का होगा, साथ में घूम जाएगा। ध्यान से देखिए कैसा ऐसा ये झटके के साथ, और सेकेंड में इस तरीके से आपको खोल देना है। एक बार और देखिए ऐसा 1, मतलब 1 में ही क्या करना है आपको, ये 2 मूवमेंट बन जाएंगे और 2 में इस तरीके से खोल देना है। फिर आपको ये कोशिश करना है कि ऐसा देखिए 1, 2, 3 इस तरीके से धीरे धीरे करना है। बैलेंस देखिए आपका बन जाएगा यदि आप इस तरीके दीवार का सहारा लेके और इस तरीके से ऐसे कर खड़े होकर यदि आप ट्रेनिंग करेंगे ऐसे, मतलब लगातार यदि ऐसे करके 20 बार इससे कर लिया, फिर इसके बाद इस साइड आ गए, आप दीवार का सहारा भी ले सकते हैं। इसके बाद ये पैर किया अपन ने, ब्लेड टाइट रखना है और 20 बार फिर
इस साइड वाले से कर लिया। ऐसा यदि आप करेंगे तो और अच्छे से आपकी जो किक रहेगी वो चलाते बनने लगेगी। सबसे खतरनाक किक होती है, मतलब ये आप डायरेक्ट खड़े हुए तो ऐसे करके बिल्कुल सीधा आप बिल्कुल सान वाले के फेस पे मार सकते हैं ऐसे करके। अब देखिए किक जो रहती है वो आप कहीं मार सकते हैं, इधर भी मार सकते हैं, इधर भी मार सकते हैं और कहीं भी मार सकते हैं, आपकी इच्छा है क्योंकि पैर आपका है, किक आपकी है। लेकिन पहले आपको सीखना है, तो तीन लेयर में ये ट्रेनिंग करना है आपको, ऐसा वन और ये टू और इस तरीके से थ्री। धीरे धीरे जब आप कंटिन्यू ट्रेनिंग करते जाएंगे तो धीरे धीरे मतलब आपकी जो किक रहेगी उसमें फिनिशिंग आती जाएगी। और यदि आप लाइव ट्रेनिंग वगैरह करना चाहते हैं मतलब, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। देखिए और आपको बार बार फ़ोन नहीं लगाना है, क्योंकि देखिए मैं वीडियो शूट करता हूँ, उसके बाद स्कूल जाता हूँ, क्लब में ट्रेनिंग होती है, मतलब क्लब में क्लास लगती है, उसके बाद क्लास जो रहे उसमें क्लास लगती है, और उसके बाद भी मुझे बहुत सारे काम रहते हैं। और कई बच्चे क्या है मुझे बार बार फ़ोन लगाते हैं, लगातार कोई 10 बार फ़ोन लगा दिया, किसी ने 8 बार फ़ोन, तो ये आपको नहीं करना है। इससे यदि आप ऐसा यदि करेंगे तो मैं अगली बार आपको क्लियर बता दे रहा हूँ, आपको जो नंबर रहेगा वो ब्लैक लिस्ट में मैं आपका डाल दूंगा। आपको जो भी पूछना है, जो भी बात करना है, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, आपको ये सुविधा मैं दे रहा हूँ, और कोई ये सुविधा नहीं देता। मेरे एक ही नंबर पर्सनल और आप उसी पे बार बार फ़ोन लगाते हैं तो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान होता हूँ। तो मैं परेशान नहीं हूँगा, मैं आपका कॉल तो उठा लूँगा, और जैसे ही आप बोलोगे कि सर मैंने YouTube पे ऐसे नंबर देख के आपको फ़ोन लगाया, मैं तुरंत आपको जो नंबर रहेगा ब्लैक लिस्ट में डाल दूंगा। पहले ही आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपको मैसेज करना है, आपको फ़ोन नहीं लगाना है, किसी को भी नहीं लगाना है फ़ोन। जिसको लाइव ट्रेनिंग करना है वो भी फ़ोन नहीं लगाएगा, और जिसको कुछ भी पूछना है तो आप वीडियो कमेंट में पूछिए, आप पर्सनली क्यों मुझसे मतलब ऐसे फ़ोन लगा रहे हैं और बार बार ऐसे कर रहे हैं, सर मैं लगा के देख रहा था, मतलब ऐसा नहीं करना है आपको। तो आपको तीन लेयर में आपको ट्रेनिंग करना है, जैसा जैसा मैंने वीडियो में बताया वैसा वैसा यदि आप ट्रेनिंग करेंगे तो आप किक अच्छे सीख जाएंगे। और मैंने लेसन फर्स्ट बना के डाल दिया, लेकिन लेसन सेकंड भी डाल दिया, लेसन थर्ड भी डाल दिया, फोर्थ भी डाल दिया, ये 5 है, और इसके बाद लेसन 6 आएगा जिसमें मैं या तो किक सिखाऊंगा या फिर ब्लॉक सिखाऊंगा। तो आपको बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल वीडियो देखना है, मतलब लेसन बाई लेसन मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो अच्छे से वीडियो देखना है और अच्छे से आपको ट्रेनिंग करना है, पहले समझना है। वीडियो समझ में नहीं आ रही, कोई एक्सरसाइज समझ में नहीं आ रही, तो आप उसको डबल से देखें, 2 बार देखें, उसके बाद फिर आप ट्रेनिंग करें। और आप यदि करेंगे तो आपके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट है कि मैं लेसन बाई लेसन बता रहा हूँ, आपका ना तो 1 रुपया लग रहा है ना पैसा लग रहा है, और आप घर बैठे ही मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस अच्छे से सीख सकते हैं। और आप ऐसे करके यदि करेंगे मतलब कि आपने लेसन फर्स्ट देखा ही नहीं, लेसन सेकंड देखने लगे, लेसन आपने 2-3 देखे ही नहीं, लेसन 5 की आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना, ये सब मिक्सअप हो जाएगा, आप सीख नहीं पाएंगे और ना ही आपकी किक अच्छे से चलेगी परफेक्ट तरीके से, और ना ही किक में पावर आएगा। तो जैसा जैसा मैंने बताया वैसा वैसा ही आपको ट्रेनिंग करना है। वीडियो पसंद आई हुई वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को दबा दे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।